कंगना रनौत ने वोट के लिए तैयार लोगों को चेताया, सिर्फ शिकायत मत करो। फिल्म अभिनेत्री कंगना रनौत ने आगामी लोकसभा चुनाव में अधिक से अधिक संख्या में जाकर लोगों से वोट डालने की अपील की है। साथ ही उन्होंने यह भी कहा है कि लोगों को मात्र उनकी शिकायतें नहीं बतानी चाहिए बल्कि नेताओं को उनकी मांग भी बतानी चाहिए, क्योंकि जो नेता बनते हैं वे कोई विचारक या लेखक या कलाकार नहीं है, वह सेवा करने वाले लोग हैं। कंगना ने कहा कि उन्हें लगता है कि लोगों की इस बात की जानकारी उन नेताओं को देनी चाहिए कि वे उनसे क्या अपेक्षा रखते हैं। इसके अलावा कंगना रनौत ने यह भी कहा कि उन्हें लगता है कि देश के नागरिकों को वोट डालना चाहिए और देश को आगे बढ़ाने में सही विकल्प का चुनाव कर उसे सही रास्ता दिखाना चाहिए। इस मौके पर कंगना रनौत ने अध्यात्म के प्रचार प्रसार की भी बात कही। उन्होंने कहा कि सभी लोगों को अपने भागदौड़ भरी जिंदगी से समय निकाल कर अध्यात्म से जुड़ना चाहिए। इसके पीछे उन्होंने कारण दिया कि सदियों से धार्मिकता और अध्यात्म हमारी संस्कृति और हमारे दैनंदिन जीवनी का अभूतपूर्व अंग रही है और आज का जो युवा वर्ग है वे अध्यात्म को ज्यादा गंभीरता से नहीं लेता। उन्हें लगता है कि मानसिक चिकित्सक के पास जाने से मानसिक विकारों का उपाय हो सकता है, जिसके चलते कुछ लोग अवसाद से ग्रसित होने के बाद कुछ गोलियां खाते हैं और वे और अधिक अवसाद से ग्रसित हो जाते हैं। कंगना रनौत जल्द तमिलनाडु की पूर्व मुख्यमंत्री दिवंगत जयललिता पर बन रही फिल्म में काम करने जा रही है। इस फिल्म के लिए कहा जा रहा है कि उन्होंने 24 करोड़ रुपए बतौर मेहनताना मांगा है।